खवातीन हज़रात, देवियों सज्जनों, नमस्कार, आदाब। यूमैक सेंटर की जानिब से जो खुशनुमा महफिल सजाई गई, उसमें आप तशरीफ़ लाए, आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज की इतनी बिजी लाइफ में इतना वक्त निकाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात, वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। क्योंकि यूमैक सेंटर चलाते थे पद्म भूषण देवू चौधरी साहब और उनके साहबजादे पंडित प्रतीक चौधरी जी, उनके बेटे को आपने अभी सुना, अधीराज चौधरी को, इतनी कम उम्र में जब ये ऐसा बजा रहे हैं, आगे की उम्मीदें बहुत हैं, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए, ताकि ये बच्चा आगे बढ़ के अपना मकाम हासिल कर सके। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मकाम हासिल करेगा, ऐसी सबकी दुआओं के साथ हमारी भी दुआ है। और रूना चौधरी जी का ये बड़ा अच्छा रोल है कि अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए उनका सेक्रीफाइस हम खुद देख रहे हैं, जिससे हमें बहुत फख्र होता है कि आज के दौर में सारी दुनिया को छोड़ के जिम्मेदारी निभाना ये हर एक के बस का काम नहीं है। नील, रंजन और ज़फ़र, ये इनके बच्चे हैं। हम यूँ देखते हैं कि जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस प्यार से ये इनके साथ काम करते हैं, वो काबिले तारीफ है। हमारा भी इस परिवार से बहुत पहले से जुड़ाव है, लेकिन ज़्यादा जुड़ाव हुआ, ज़्यादा करीब आए, वो ज़फ़र मिर्ज़ा की वजह से। तो ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे बच्चे की तरह है और बहुत अच्छा फनकार है। तो आप सबको दुआएं दीजिए, बल्कि हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि 50-55 साल गाने के बाद भी गाने से डर लगता है, क्योंकि जैसे एक नासमझ बच्चा कहीं भी किसी भी जगह हाथ डाल सकता है, ऐसी जगह जहाँ से खतरा है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता। उसी तरह जब तक समझ नहीं होती गाने की, तो गाना गा लेता है आदमी, लेकिन समझ पैदा होती है तो फिर ज़रा मुश्किल होती है। बरसों की रियाज के बाद भी मौसीकी अपने आप में एक ऐसा फ़न है, रियाज, लगन, मेहनत, मश्क, कमांड करने के बाद भी कभी भी कोई लफ्जिश हो सकती है, अनबैलेंस हो सकते हैं। तो जितनी कमियां होंगी वो सब हमारी होंगी, लेकिन जो कामयाबी होगी वो हमारे उस्तादों की होगी, हमारे बुज़ुर्गों की होगी, आपका प्यार होगा। इसी तरह जैसे एक स्टूडेंट गाता है, हम पहले भी स्टूडेंट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, गाना नहीं सुनाएंगे, गाने की हाज़िरी देंगे, कोई भी गलती हो तो नज़रअंदाज करें। दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है, दिल्ली घराना, दिल्ली के जितने भी जाने माने गुणी गायक, बजाने वाले या डांसर, वो अपनी छाप छोड़ते हैं। और वैसे भी ये 22 ख्वाजा की चौखट है, यहाँ से दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हमें आपकी दुआएं चाहिए। बहुत शुक्रिया। इतनी अजीम शख्सियतें या जलवा अफरोज हैं, मैं किसका अभी सॉरी ये असल में हमारे प्रतीक चौधरी जी का जन्मदिन है, आज वो यहाँ होते, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो यहाँ हैं और जलवा अफरोज हैं। उनके लिए आप ये भी दुआएं करें कि आज होते तो 50 साल के होते, लेकिन 50 साल भी के गुजरने के बाद भी कोई उनको भूलेगा नहीं। बढ़िया। प्रभु सौरभ जी हमारे इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनमें बड़ी कलाएं हैं, कलाओं के साथ साथ वो शायरी भी करते हैं और बहुत गुणी आदमी हैं। दूसरा हमारे वैसे सारे मेहमान जितने भी आए हैं तो सबका नाम लेने बैठेंगे तो गजल का टाइम खत्म हो जाएगा, वो नहीं चाहते, मगर फिर भी हमारे
संजय कुलश्रेष्ठ और नूतन कुलश्रेष्ठ और जितने मेहमान हमारे आगे अलका जी आई हैं उनके मेहमान हैं, तो स्वागत के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है गाना सुनाने के अलावा। थैंक यू रेहान भाई और जयंती माला जी, हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर फनकारा हैं, मुलाजा फरमाए हम सर है या साथ कश्मीर पर। सभी हजरात के लिए एक कथा पेश खिदमत है। तुझसे मिलने की जुस्तजू भी है, तुझसे मिलने की जुस्तजू भी है और तू मेरे रूबरू भी है। पहले चाह के पहले चाह के दिल जला के दिल जला डालूं, फिर ये सोचा के दिल में तू भी है। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं,
कैद की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी के हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। कलाम है खुमार बाराबंकी। जाएगा